जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हो गया है कि हम अभियानी बन देना, मैं तो कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको पिछले दिनों की सीख याद हो गया। जब जब मोदी को उन्होंने गाली दिया, मोदी ने उनको अपना गहना समझ देश की जनता के लिए समर्पण भाव से काम है उसका ध्यान, और यही कारण है। याद कीजिए गुजरात में क्या शब्दों का प्रयोग सोनिया गांधी और बाकी लोगों ने किया, और गुजरात की जनता ने उनको जवाब देने का काम किया। याद कीजिए 2019 के चुनाव में लोगों ने क्या बोला, जिनकी जनता ने उसको अपना रखवाला माना, और कहीं ना कहीं इस बार भी जिस शब्दों का प्रयोग किया है अपना कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में, एक बड़े राष्ट्रीय दल के नेता के बारे में जिसके विश्व पटल पर साथ है, उसके बारे में इस तरह का बयान, अरे आपको विवाद है, विषय है, डिबेट करो ना यार। जब हताशा में हो, निराशा में हो, तो सब खोलने की बात करते हो, मुद्दे नहीं बचे हैं आपके पास, इसलिए आप इस तरह का मर्यादित बयान देते हो। लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ चरणदास महंत जी को, हमें कुछ नहीं बोलना है, छत्तीसगढ़ की जनता बोलेगी, देश की जनता बोलेगी, इस पूरे बयान का जो जवाब होगा, जो तमाचा जलेगा, वो जनता आपके चुनाव में 2024 के चुनाव का जवाब देगी। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आपके नेता प्रयोग कर रहे हैं, जनता सब देख रही है कि उसके प्रधान सेवक के बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, आपने कहा था कि चाय बेचने वाले का मजाक उड़ाया था, आज देश में चाय बेचने वाला ही इस देश का नेतृत्व कर रहा है, और गरीब से गरीब का व्यक्ति को लगता है कि मेरा नेता वहाँ लंच कर रहा है, और आप लोग तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जनता जवाब दे।